Hey, hello friends. Good morning everybody. You all are fit and fine and enjoying the videos. So after the completion of choti choti basic reason, today we are going to discuss our next exercise 3. So what exactly in the first question? So see, question is that find the values of first value to find sine pi by a and second value, that is a cos pi by a. अभी to find these two values, it is very necessary कि यहाँ पे कुछ क्लिक होने को हो ना, कि ये pi by 8 यानी कितना, तो चलो बेटा पहले जुगाड़ जमा दे. सबसे पहले ये बोल देते कि pi by 8 यानी कितने डिग्री. तो जहां तक के हमारा सिखाया गया कन्वर्शन है, हमारा बेसिक है, हमें पता है रेडियन को कन्वर्ट करना है अगर डिग्री में तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 180 बाय पाई से. और ये कन्वर्शन में जो जो कट गया वो कट गया, तो क्या क्या कटना है बेटा. सो पाई पाई गेट कैंसिल. फिर थोड़े 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 बेसिक लेवल से जाते, जैसे 4 2 कितना, तो 8. उसके बाद या फिर उल्टा बोलो 2 4 8 एंड देन 2 into 90 इट्स अ 90. फिर और एक कदम आगे चले जाते, दिस इज 2 into 2 एंड दिस इज 45 into 2. सो अगेन 1 2 गेट कैंसिल. सो व्हाट इज लेफ्ट, 45/2 इज लेफ्ट. और जब 45/2 को सॉल्व करेंगे एट दैट टाइम हमें वैल्यू मिलेंगी 45/2 विच इज नथिंग बट द 22.5. अभी सवाल ये है बेटा कि जब 45/2 और 22.5 ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे, तो पॉजिटिव. देखो एक बार कंसेप्ट में पढ़े, उसके बाद वही सब चीजें जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हमारे पास ये टर्म्स आते जाएंगे, हम और कवर अप करते जाएंगे, ठीक है ना. तो सबसे पहले क्वेश्चन में मेरा क्या लिखना बनता है, अबे क्या होगा कि जब मेरे पास पाई बाय 8 है, जिसका मतलब लेके चल रहे 22.5, तो 22.5 कहाँ पे होंगे, तो 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे. अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, तो नो डाउट साइन पाई बाय 8 और कॉस पाई बाय 8 भी कैसे हो गए, तो ये भी पॉजिटिव हो गए. तभी बढ़ते हैं उनकी वैल्यूज ढूंढने के लिए. तो सबसे पहला डियर स्टूडेंट लॉजिक ये लगा लेते हैं. देखिए एक एक चीजों को समझ, आपके पास फॉर्मूलेज है. पहला 2 sin² θ/2 = 1 - cos θ. इसे बड़े ही शिद्दत के साथ लर्न करना, ताकि 2 साल हमें कोई भी किसी भी मोड पे अगर पूछे तो हमें ये रिजल्ट आने को ना. और रिजल्ट क्या, तो 2 sin² θ/2 = 1 - cos θ. वैल्यूज डालो, आपका थीटा कितना कवर कराना है, तो आपका थीटा कवर कराना है पाई बाय, ठीक है. और फिर यहाँ पे अगर आपके थीटा की अकॉर्डिंगली वैल्यूज जाते, कॉस पाई बाय साइन पाई बाय, तो अकॉर्डिंगली वैल्यूज डाले. देखो सबसे पहला पुट कर लूंगी थीटा इज इक्वल टू कितना, तो पाई बाय 8 इतना. और अगर ये पाई बाय 8 वैल्यू मेरी आ जाती है, सो मेरे पास यहाँ पे पाई बाय 8 अपॉन 2 कितना, तो पता चल रहा पाई बाय 16 हो रहा. क्या हमारे पास पाई बाय 16 की वैल्यू है, तो नहीं है.
देखो बेटा क्यों लंबाई से जा रहे उसको समझी। इसका मतलब जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है उसमें और कुछ ना कुछ चेंजेस करने होंगे, तो वो चेंजेस क्या ये समझना होगा। देखिए अभी मैं क्या बता रही हूँ उस पे ध्यान, पूरा सेम जैसे का वैसा, पन अपॉन टू करने के बाद पाई बाय 8 के कितने बन रहे, तो पाई बाय 16 बन रहे, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। तो करेंगे क्या, तो हम लोग कुछ ऐसा कर लेंगे कि हम लोग थीटा को ही रख लेंगे, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर रहा तो आंसर में जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। नाउ चेक इट आउट, देख लो अभी क्या, अभी मैंने थीटा इज इक्वल टू कितना लिखा, तो पाई बाय 8 लिखा। नाउ जस्ट पुट अप द वैल्यूज, इट मींस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ हाउ मच, तो पाई बाय, चलो जम गई गाड़ी अभी अभी काट चाट करते बेटा। यहाँ पे देखिए 2 1 2, 2 4 8, और ये 2 × 4 8 बनने के बाद हमें तो मिला 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस पाई बाय 4। गेट इट माई पॉइंट, फिर से आगे बढ़िए बेटा। सो जब ये वैल्यूज है इट मीन्स 2 साइन स्क्वायर कितना, तो पाई बाय 8। ये वैल्यू किसकी बराबरी कर रही, तो 1 माइनस क्या है कॉस ऑफ पाई बाय 4। कॉस ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 2 जितनी। फिर सिर्फ RHS को सॉल्व कर दे, फिर LHS को निपटाएंगे, क्या बन जाएगा, सो रूट ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन अगेन रूट ऑफ 2। दिस इज फॉर 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8। क्या आपको साइन स्क्वायर पाई बाय 8 की जरूरत थी, तो नहीं, आपको जरूरत है सिर्फ, आपको सिर्फ और सिर्फ जरूरत किसकी थी, तो साइन ऑफ पाई बाय 8। यानी ये जो इसके पास मल्टीप्लिकेशन में बैठे हैं 2, उसे डिवीजन में ला लो, यानी क्या बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 8 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 2। फिर से सोचो, क्या आपको साइन स्क्वायर की वैल्यू मांग रहा, तो नहीं, तो फिर साइन स्क्वायर का अगर मुझे स्क्वायर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेना पड़ेगा। और जैसे ही मैं स्क्वायर रूट ले लू, रूट एंड स्क्वायर बोथ गेट कैंसिल, और दोनों कैंसिल हो गए, यानी हमें क्या मिला बेटा, साइन ऑफ पाई बाय 8 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फिर से रूट ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 2। दिस इज द वैल्यू फॉर, किसकी वैल्यू है ये, तो साइन पाई बाय 8 की वैल्यू। जा रहा कुछ गुड। नाउ फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट के तरफ, और नेक्स्ट में हमें वैल्यू मांग रहा कॉस ऑफ पाई बाय 8 की। अभी वैल्यू डालने के पहले पटाप पट सोच लेना साइन कॉस क्या रिश्ता निभाता है। तो पता चला हमें दैट इज वी आर यूजिंग कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमने तो पहले ही क्लियर बता दिया था बाबा कि थीटा की वैल्यू कितनी, तो पाई बाय 8 जितनी, यानी जहां जहां पे थीटा वहां वहां पे पाई बाय 8। अभी 1 माइनस, नाउ सी, बड़े दिमाग लगा के अपन ने ब्रैकेट्स बनाए थे, एक वैल्यू जो रिक्वायर्ड थी वो दैट इज साइन ऑफ की, और सेकंड वैल्यू साइन स्क्वायर की, तो जो साइन स्क्वायर की वैल्यू है उसे पकड़ के पुट अप करा लो, इट मींस रूट ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 2।
यू गेट इट माई पॉइंट, फिर से क्रॉस करो। ये क्रॉस कैसे होगा, तो टू रूट ऑफ टू, ये माइनस अंदर जाएगा भैया, यानी माइनस रूट ऑफ टू, फिर से ये माइनस अंदर गया प्लस वन अपॉन टू रूट ऑफ टू, और टू रूट ऑफ टू माइनस, जैसे मैंने बोल दिया बेटा ट्वाइस एक्स माइनस एक्स, तो आप मुझे आंसर कितना दोगे, तो x दोगे, और अगर आप मुझे x आंसर दोगे तो टू रूट ऑफ टू माइनस रूट ऑफ टू को आंसर कितना दोगे, तो रूट टू दोगे। इसी का मतलब cos स्क्वायर पाई बाय 8 हैज आंसर रूट टू प्लस वन अपॉन टू रूट ऑफ टू। ये वैल्यू किसकी हुई बेटा, तो ये वैल्यू हो गई cos स्क्वायर की, हमें तो cos रिक्वायर्ड है, यानी देयरफॉर cos ऑफ पाई बाय 8 इज इक्वल टू फिर से अंडर रूट ऑफ रूट टू प्लस वन अपॉन टू रूट ऑफ टू वैल्यू ऑफ cos पाई बाय 8। गेट इट माई पॉइंट्स, ये होता है वैल्यूज को निकालना। क्वेश्चन हमको घुमाता है तो हमने घूमना नहीं है, क्वेश्चन हमको चाहे कितना भी घुमाए, बेसिक्स अगर क्लियर है तो वही के वही पे अपन ने ही राउंड कर दिया, और वैल्यूज वैल्यूज वैल्यू, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड वैल्यू। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बता रहा कि बोल रहा ढूंढो, किसे ढूंढो, तो सबसे पहले ढूंढने का काम लगा रहा अपने पीछे दैट इज साइन ऑफ ट्वाइस एक्स, फिर सेकंड कॉस ऑफ ट्वाइस एक्स, फिर थर्ड टेन ऑफ ट्वाइस एक्स। देखिए मैंने डिस्क्लेमर जैसे दिया था, पिक्चर शुरू होने के पहले, सीरियल शुरू होने के पहले या शो शुरू होने के पहले जैसे डिस्क्लेमर दिया जाता है, सेम वैसा ही मैंने आपको दिया था कि बेटा अगर कंपाउंड मल्टीपल एंगल्स ये फॉर्मूले अगर बाय हार्ट नहीं करोगे तो क्वेश्चन समझने में दिक्कत जाए, और हर एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग 10 स्टेप पीछे तो जा नहीं सकेंगे। इसीलिए जब भी मैथ्स का क्लास होने वाला है या मैथ्स के क्लास का वीडियो आप देखने वाले हो, उसके 15 मिनट पहले पटापट सभी फॉर्मूलों को रिकॉल कर लेना एंड देन वॉचिंग द वीडियो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ। सो सबसे पहली वैल्यू देखिए कि सिकेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस 13/5, कहां से कहां तक झूल रहा, तो 90 से लेके तो 180 तक, 90 से लेके तो 180 तक का मतलब हुआ x lies in which quadrant, so second quadrant, और second quadrant की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो second quadrant में कौन कौन पॉजिटिव और कौन कौन निगेटिव, समझे, कौन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन पॉजिटिव कोसेक पॉजिटिव कॉस निगेटिव टैन निगेटिव सिकेंट निगेटिव कॉट निगेटिव, तो इन्हीं निगेटिव पॉजिटिव कंसेप्ट के साथ बढ़ते हैं। वैल्यू देखे है सिकेंट इज, नाउ यूजिंग कर लेते हैं कि 1 tan स्क्वेयर x इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वेयर x, होता है ऐसा, तो हाँ होता है, और tan स्क्वेयर x इज इक्वल टू कितना, तो सिकेंड स्क्वेयर x माइनस 1। tan स्क्वेयर x की वैल्यू कितनी हुई बेटा, तो सिकेंड स्क्वेयर x माइनस 1, फिर सिकेंड की वैल्यू हमारे पास है ना, वो वैल्यू डाल देते, यानी tan स्क्वेयर x इज इक्वल टू secant x कितना है, तो secant x माइनस 13/5 एंड होल स्क्वेयर चल रहा, फिर माइनस फिर से है ही 1, माइनस का स्क्वेयर कितना बताया था, तो प्लस ही होता है, माइनस ऑफ 13 का स्क्वेयर कितना, तो 169, 5 का स्क्वेयर 25, माइनस कितना, तो माइनस 1, फिर से क्रॉस करिए टर्म्स को, क्रॉस करने पे मिल जाता है 169
माइनस 25 अपॉन हाउ मच, सो अपॉन 25 एंड 169 माइनस 25 कितना, तो 144, यानी टैन स्क्वायर एक्स बना 144 अपॉन 25। अभी घोड़े तो ये दौड़ रहे होंगे कि मैडम टैन क्यों निकाल रहे, तो याद करने की कोशिश करो, आपके पास ये तीनों रिजल्ट के लिए टैन फॉर्मेट वाला फॉर्मूला। अभी वैल्यू मिली है टैन स्क्वायर एक्स की कितनी, तो 144 अपॉन 25, देयरफॉर टैन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144 अपॉन 25। समझे, रूट के अंदर है तो रूट दो पॉसिबिलिटी देगा, कौन से, प्लस एंड माइनस, यानी टैन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 अपॉन 5। क्या ये अप्लीकेबल वैल्यू है क्या, ये इंपॉर्टेंट बेटा, क्या ये अप्लीकेबल वैल्यू है क्या, तो नहीं, क्योंकि एक्स कहां पे घूम रहा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा, और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन फंक्शन निगेटिव होता है, तो प्लस माइनस में से टैन एक्स इज इक्वल टू माइनस 12/5। क्यू वैल्यू ली उस पे कॉन्सेंट्रेट करना, विच वैल्यू इज अप्लीकेबल, तो टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 12/5। अभी बढ़ते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन के तरफ, ये तो हम लोगों ने सिर्फ माहौल बना के रख दिया, अभी मेन इस पे फोकस करेंगे। नाउ सी, सबसे पहला काम, हमारे पास टेन एक्स की जो वैल्यू थी वो वैल्यू थी माइनस 12/5 थी, ऐसे वैल्यू। फिर हमें निकालने के लिए बढ़ना है साइन ऑफ 2x एंड साइन 2x के लिए फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, बिल्कुल भूलना नहीं फॉर्मूले इसको। नाउ सी, 2 द वैल्यू ऑफ tan x इज माइनस 12/5 अपॉन 1 प्लस, अगर tan x माइनस 12/5 है तो टेन स्क्वायर एक्स को भी याद रख लेना कितना, तो 144 अपॉन 25। अभी दिमाग नहीं लगाना बेटा यहाँ पे कि ये भी माइनस चलेगा करके, ये माइनस नहीं चलेगा, तो ये वैल्यू हो गई, कितनी वैल्यू पुटअप करू, तो 144 अपॉन 5। चलिए 2 इंटू माइनस 12 माइनस 24 अपॉन कितना, तो अपॉन 5, ये 2 होना। फिर क्रॉस करिए वैल्यूज को, इधर उधर लेके जाइए, 25 इंटू 1 25 प्लस 144 अपॉन 25, अगेन मूव अहेड और आगे जाइए, सो ये जैसे का वैसा माइनस 24 अपॉन 5 अपॉन, ये वैल्यू हुई आपकी 169 अपॉन 25। फिर वैल्यूज को काट छाट करना पड़ेगा हमें, वैल्यूज को काट चाट करना पड़ेगा, तो काट चाट करने के बाद ये हुआ माइनस 24 अपॉन 5 इंटू 25 अपॉन 169, और कितना आगे जा सकते वो देखिए, 5 5 5 5 25 और 24 इंटू 5 अगर करते हो आप, तो आपके हाथ में कितना आएगा, तो 120 आएगा, यानी पहली वैल्यू हुई माइनस 120 अपॉन 169। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू किसके लिए, तो साइन 2x के लिए। फिर सेकंड ढूंढना है, सेकंड क्या है हमारे पास का, तो कॉस ऑफ 2x, और कॉस 2x के लिए फॉर्मूला क्या चलता है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। चलो बेटा डालो वैल्यूज, अभी पूरा रेडीमेड है हमारे पास, सो वैल्यूज आर 1 माइनस 144 अपॉन 25, 1 प्लस 144 अपॉन 25, हो गया, क्रॉस करो सॉल्व करो, इट मीन्स 25 माइनस 144 अपॉन 25, फिर से 25 इंटू 1 25 प्लस 144
अपॉन 25 है कैंसल, 144 में से 25 निकालना, तो आंसर में कितना रहेगा, तो नो डाउट 119 रहेगा, करके देख लेना बेटा इसको. सो वी गेटिंग द कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू कितना, तो -119 अपॉन 169. और ये दो वैल्यूज होने के बाद तीसरी वैल्यू ढूंढने के लिए बोल रहा tan of 2x, and tan of 2x simply gives us the answer sin of 2x upon cos of 2x. तो यहाँ पे बन गए 120 upon 169 and -119 upon 169 get cancelled. Required answer is क्या बना, तो this is our all are finding by using tan x. Now move to the next question. And what is in the question number 3? Prove the following. कि नीचे दिए गए हुए प्रूफ कीजिए. चलो बड़े आसानी से बेटा हम लोग प्रूफ करा सकते हैं इफ यू ऑल आर लर्निंग द फॉर्मूलास वेरी क्लियरफुली एंड वेरी परफेक्टली. सो द फर्स्ट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड व्हाट इज गिवन, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा. दिस वैल्यूज आर गिवन, ये दिया हुआ है. ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तो इसमें हमारे पास तो रेडीमेड रिजल्ट्स है. अगर याद ना हो तो बार बार उसे कवर अप करा लेना. 1 माइनस कॉस 2 थीटा हैविंग द फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा. एक फॉर्मूले की स्पेशल 100 पेजेस की बुक अलग से बना ही लेना बेटा. उसके बाद 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा. यू गेट इट माय पॉइंट. और ये दो फॉर्मूलों को रेडीमेड पकड़ के LHS में डाल देंगे, और जैसे ही ये LHS में जाएंगे इट बिकम्स 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा. सोचने वाली बात है कि न्यूमरेटर के पास भी 2 है, डिनोमिनेटर के पास भी 2 है, तो दोनों मिलके काट चाट कर लेंगे. व्हाट इज लेफ्ट, क्या बच गया बेटा, तो सिंपली बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. और एज वी ऑल नो दैट, जिन जिन बच्चों को थोड़ा भी किंतु परंतु है उनके लिए एक स्टेप कुछ ऐसे बढ़ सकती है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड देन होल हैविंग द स्क्वायर. इन दोनों केसेस में आंसर कितना होगा, तो आंसर बन गया 10 स्क्वायर थीटा, और जो कि हमारी क्या थी, विच इज अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड. कौन सी साइड थी हमारी रिक्वायर्ड, राइट हैंड साइड. नाउ सी हो गया ये. ऐसे ही प्यारे क्वेश्चंस के साथ बढ़ते हैं ऑन द क्वेश्चन नंबर सेकंड. देखो ये LHS दी हुई है, LHS में क्या फॉर्मेट लेके चल रहा बेटा, तो साइन 3x प्लस साइन x, उसके बाद प्लस कॉस 3x माइनस कॉस x, फिर यहाँ पे देखो ये पल भर के लिए इज इक्वल टू 0 है, इसे भूल जाते थोड़ी देर के लिए, RHS में जो 0 है उसे भूल जाते और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं LHS के साथ. दिस इज कंप्लीट वन द लेफ्ट हैंड साइड, फिर सॉल्व करते साइन 3x इंटू साइन x. क्या किसी की दुनिया में 10 स्टैंडर्ड तक ये साइन स्क्वायर बनाता, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके पास 3x है और इसके पास x है, यानी बन जाएंगे साइन 3x इंटू साइन x. ये पहली टर्म. दूसरा साइन x इंटू साइन x, अभी बराबर सेम एंगल के साथ साइन x इंटू साइन x मिलके बन गए साइन स्क्वायर x. वैसे ही टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करते cos 3x इंटू cos x, जैसे का वैसा cos 3x इंटू cos x, और उसके बाद माइनस साइन के साथ cos x इंटू cos x, सो cos स्क्वायर x. देखिए जिनके जिनके पास स्क्वायर है ना, उनको बाजू में रखते,
और जिनके पास स्क्वायर नहीं है उनको अलग से रखते, यानी दो में बंटवारा कर लेते। सो फर्स्ट इज साइन 3x इंटू साइन x। क्यों इसको लिया? क्योंकि इसके पास स्क्वायर नहीं है। और बच्चे कुछ है LHS में किसके पास स्क्वायर नहीं है, तो जिसके पास स्क्वायर नहीं है वो है cos 3x इंटू cos x। फिर अभी भी कौन बाकी रहा, किसको नहीं लिखा हम लोगों ने? तो हम लोगों ने साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिखना बाकी था। अभी जब हम लोग वैल्यूज देख रहे हैं तो बड़े ही तरीके से उसको देखो और ये देख लो क्या ये फॉर्म में है। तो हाँ ये फॉर्म में है, सिर्फ इन्होंने पोजीशन बदल दी, ठीक है ना। मेरे जगह पे आप, आपकी जगह पे कुछ इस तरीके से पोजीशन बदल गई, यानी इसी को हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ 3x इंटू cos x प्लस साइन ऑफ 3x इंटू साइन x, बन गए दो टर्म। उसके बाद हमारी ट्रिग्नोमेट्री हमें कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, पर अगर दोनों के बीच प्लस नहीं है तो क्या लिखने वाले ने गलत लिखा, ऐसा उसका मतलब होता है? तो नहीं बेटा। तो क्या, तो फॉर्मूला याद करना, इसमें से माइनस को बाहर बुला लो। आ भाई तू बाहर आ जा, तो माइनस बाहर आ गया। जैसे ही माइनस बाहर आया निगेटिव टर्म बनी पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्म बनी निगेटिव, समझे? ये ऐसा हो गया। अभी देखिए एक एक चीजों को समझिए बेटा, मैं बहुत डिटेल में समझा रही हूं आपको, उसे याद रखिएगा। जो मेरा फर्स्ट ब्रैकेट है इट्स मैच विद कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और जब ये ऐसा होता है कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये हमें आंसर देता है कॉस ऑफ ए माइनस बी, देता है ये आंसर। फिर दूसरे की बात करते हैं। दूसरा फॉर्मेट जो चल रहा है इट्स मैच विद कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और लास्ट लेक्चर में पढ़े हुए रूल्स बताते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ टू थीटा। अभी ये दोनों को अपने अपने लेवल पे डालो बेटा। सो सी, ये बना कॉस ऑफ ए की भूमिका अदा कर रहा 3x और बी की अदा कर रहा x माइनस। इतनी बड़ी कहानी इतने से इसमें आके ब्रीफ में आके खत्म। यहाँ पे थीटा अगर रहा तो कॉस ऑफ टू थीटा, तो एक्स अगर है तो कॉस ऑफ टू एक्स। नाउ फिर से वही थ्री एक्स माइनस एक्स कितना रहे, तो ये बना कॉस ऑफ टू एक्स। पहले से ही कौन है तो कॉस ऑफ टू एक्स कट गए प्लस माइनस के साथ, इसका मतलब वी आर गेटिंग अवर राइट हैंड साइड। हमें क्या मिल गई, हमारी राइट हैंड साइड। ऐसे ही क्लियर कट कंसेप्ट के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। और इन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यूज को गौर करो बेटा कि क्या क्या फॉर्मेट आया, सिर्फ क्या क्या फॉर्मेट आया हुआ। तो अगर मैं देखिए फिर से वही दो क्वेश्चन है, एक मेरा एक आपका, ये क्वेश्चन मेरे लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए एज योर होमवर्क, सॉल्विंग बाय यूजिंग सेम ट्रिक्स एंड टेक्निक। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए LHS क्या फॉर्म लेके चल रही, तो cos x माइनस cos y इट्स होल स्क्वायर प्लस, प्लस कितना, तो sin x माइनस sin y एंड इट्स होल स्क्वायर। बोथ द ब्रैकेट्स आर मैच विद द फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर को रिजल्ट क्या रहता, तो a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट क्या रिजल्ट देके चलेगा, तो ये चलेगा, देखिए अपन डिटेल में जा रहे, कॉस एक्स स्क्वायर माइनस टू कॉस एक्स
cos y plus cos y square. निपटा लिए फर्स्ट को. फिर सेकंड की जब बात आई तो सेकंड को लिखेंगे साइन x स्क्वायर माइनस टू साइन x इंटू साइन y और उसके बाद प्लस साइन y स्क्वायर. समझ रहा बेटा टर्म्स? अभी देखिए स्क्वेयरिंग जब हो तो ये जो फर्स्ट टर्म है cos x स्क्वायर इसी को लिख सकते हम लोग cos स्क्वायर x. और सिंपल सी बात है ना, कॉस के पास कौन आएगा, उसके साथ पार्टनरशिप कौन करता है, हमेशा डीलिंग कौन करता है, तो साइन करता है. यानी कॉस स्क्वायर एक्स के पास लिखा गया साइन स्क्वायर एक्स. इसको एक पिटारे में बंद कर लिए. फिर से स्क्वायर स्क्वायर कौन खेल रहा, तो वाई खेल रहा. ये स्क्वायर स्क्वायर वाई वाले को भी एक पिटारे में बंद कर देते. कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, इसका भी पिटारा बंद हो गया. फिर जो बचे हुए दो है इनमें से क्या कुछ कॉमन, तो इसके पास भी टू है, इसके पास भी टू है, दोनों के पास माइनस है, यानी बाहर कौन भेज दिए, माइनस टू. व्हाट इज इन अ ब्रैकेट कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई. समझ गए इतने टर्म्स? और मूव अहेड बेटा. देखिए cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x मिला के बन गया 1, सो 1 प्लस cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y, ये भी मिला के बन गया 1. फिर माइनस 2 cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, है ऐसा फॉर्मूला अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था. तो cos x इंटू cos y प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई फॉर्मूला किसका देगा, तो फॉर्मूला देगा कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई. ये इंटरचेंज करा लेना, ठीक है. नाउ सी 1 प्लस 1 कितना हुआ, तो 2 हुआ. माइनस 2 कॉस ऑफ कितना, तो एक्स माइनस वाई. ये दो टर्म्स हो गए बेटा. और जब हम लोग ये दो टर्म्स को ले रहे हैं फिर से हमें ध्यान में आ रहा क्या कॉमन है, तो फिर से 2 कॉमन है ना. 2 को अगर बाहर भेज देते हैं सो व्हाट इज इन अ ब्रैकेट, सो 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस 1. और अभी फॉर्मूला पढ़े थे फिर से कि 1 माइनस कॉस थीटा अगर है तो फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. यहाँ पे थीटा कौन बोल रहा, तो थीटा है आपका x माइनस वाई यानी साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2. नाउ दिस इज 2 इंटू 2 4 एंड दिस इज साइन स्क्वायर कितना, तो साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2. लेट्स सी cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y होल स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2. अभी अगर मुझे साइन के जगह पे प्लस रिक्वायर्ड रहता तो क्या करते बेटा हम लोग, ये यहाँ पे कौन सा साइन ले लेते, माइनस साइन. और ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क के तौर पे आपको दिया गया है एज अ प्रैक्टिस. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिमेनिंग ऑल द क्वेश्चन. तब तक के लिए डू द होमवर्क प्रॉपरली एंड इफ एनी डाउट एनी डिफिकल्टी देन आस्क मी ऑन ग्रुप.